बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि भाई आप जहाँ भी हों खैरियत से हों। ईरान की वीज़े के हवाले से बात करते हैं। कोविड-19 से पहले हमने एक वीडियो ऑनलाइन आपको बना के दी थी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, जिससे हमने बताया था कि ई वीज़ा ईरान का आप अप्लाई कैसे कर सकते, जो कि ईरान की वेबसाइट से ई वीज़ा अप्लाई होता है और उसका तरीक़ाकार भी हमने बताया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दें और फिर हम एक जैसे ई वीज़ा आता है तो इसका जो डिटेल है हम आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर भी काफ़ी सारे ईमेल और मैसेज आ रहे थे कि सर ईरान का वीज़ा कब आ रहा है, क्या मामलात हैं, क्या मतलब कोई टूरिस्ट वीज़ा बता दें, कुछ भी बता दें। तो हम उनके सवालों के तमाम तर जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप दोस्त सऊदीया और उमरा और मुतहदा अरब अमारात की किसी भी किस्म की अपडेट से बाखबर रहना चाहते हैं, हमसे वर्ल्ड वाइड दुनिया में होटल बुकिंग के लिए भी रब्ता कर सकते हैं भाई, और ट्रैवलिंग के वाले से कोई भी आपका काम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। टिकट के लिए, वीज़ास के लिए कोई भी भाई आपका मसला हो, इंशाल्लाह हम आपके लिए हल करने के लिए तैयार हैं और हमारी कोशिश है कि एक ऑथेंटिक अपडेट आपके साथ दोस्तों शेयर करें। ईरान के वाले से बात कर दें तो ईरान का वीज़ा अभी तक जो है मतलब ऑन नहीं हुआ है। इसकी एम्बेसी से मतलब पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद है, इंडिया में मुंबई में मौजूद है, लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई ऑथेंटिक अपडेट्स नहीं आ रही। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई बंदा कहता भी है तो अभी तक कोई इसकी जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, मतलब एलिजिबल कह लें यानी अभी ऑथेंटिक जो रिपोर्ट है भाई अभी तक नहीं आई है। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम एडवांस जो बात कहते हैं वो आगे जो फ्यूचर में वो ही बात होती है। तो इसलिए ईरान के हवाले से जितने भी दोस्तों ने सवाल किए कि सर कब टूरिस्ट वीज़ा होगा, विज़िट वीज़ा, तमाम उनका जवाब मेरे लिए ना है कि अभी तक कुछ भी नहीं है। ये वीज़ा ऑनलाइन है और ये ख़ुद आप ऑनलाइन ई वीज़ा है और ख़ुद वेबसाइट से जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब ओपन होगा तो इंशाल्लाह हम वीडियो के ज़रिए आपको बता देंगे और अप्लाई करने का तरीका भी समझा देंगे। अगर फिर भी नहीं आता तो हम इंशाल्लाह आपको अप्लाई करके देंगे। देखते रहिए शायद बाल यूट्यूब चैनल। उम्रे के हवाले से भी इंशाल्लाह काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं कि उम्रे का आपको पता है कि कोविड-19 के बाद उम्रे में बहुत सारी तब्दीलियाँ रहनुमा हुई हैं। तो एक ऐप का भी निज़ाम चल रहा है, वो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं तो वो ऐप डाउनलोड कर लें, अभी से सीख लें। 6,000 बंदे ने उम्रा करना है और वर्ल्ड वाइड से 6,000 बंदे ने मुंतखब होना और इस ऐप के ज़रिए 3 घंटे में अगर आपको रिप्लाई आ जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर रिप्लाई नहीं आता तो आप फिर नेक्स्ट जो है 15 अक्टूबर को अप्लाई करें, उसमें 16,000 चाहिए, 31 को 32,000 चाहिए, इस तरह मजीद इजाफा होगा अगर कुछ खुदा न खासा कोविड-19 की तादाद ना बढ़ी। देखते रहिए शायद बाल यूट्यूब चैनल। हर किस्म के रबते के लिए आप हमसे रबता कर सकते हैं, हर किस्म का यानी वीज़ा ट्रैवलिंग के वाले से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए। देखते रहिए शायद बाल यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं।